गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में गाँव में सुबह शाम पुलक सागर एक नाम एक नाम। आज तुम जो कुछ भी हो अपने ही बोए हुए बीज का फल है, ध्यान रखिए। मान्यवर ध्यान रखना, आज तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं है। ये सब बहाने सब निमित्त हैं। भोगना तो जीव को ही पड़ता है। फल लगा है किसी पेड़ पर तुम्हें बताता है कि यदि फल है तो इसका बीज जरूर होगा, क्योंकि बिना बीज के फल कभी लगते नहीं है। क्योंकि बीज नहीं तो फल नहीं, वृक्ष है तो बीज जरूर होगा, फूल है तो बीज जरूर होगा। और आज मुझे जो कुछ भी मिल रहा है उसका बीज मैंने कहीं ना कहीं बोया जरूर। वरना सबको एक सा क्यों नहीं मिलता है? सारे लोगों को एक सा कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता? सबके अपने अपने भाव हैं, अपने अपने बोए हुए बीज हैं, उनका फल भी अपने को वैसा ही प्राप्त हुआ करता है। आज जो कुछ भी हम हैं, जिस पोजीशन में हैं, जहां पर भी हम खड़े हैं, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारे स्वयं का कृत्य हुआ करता है। जाकर के उन्होंने निकाल दिया उन मंत्रियों को बाहर। एक दिन क्या हुआ, वह हस्तिनापुर से निकलकर उज्जैनी नगरी में पहुंच गए, महाकाल की नगरी उज्जैनी। वहां पहुंच गए, एक राजा पद्म था। राजा पद्म की उन्होंने सहायता की, राजा पद्म ने वचन दे दिए। ये जो जितने धनपति और पैसे वाले होते हैं ना, ये वचन देने में बहुत नंबर वन आगे होते हैं। ध्यान रखना, वचन किसी को एकदम से नहीं देना चाहिए, शब्द नहीं देना चाहिए, क्योंकि वचन दे दो तो फिर उसे उसी समय पूरा करो। कभी दशरथ ने वचन दिए थे राम को वनवास हो जाया करता है, ध्यान रखिए। वचन हो तो तुरंत पूरा कर दो, उन्हें भविष्य के लिए मत रखो, वरना उनका फल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ करता है। पद्म राजा ने वचन दे दिया, तुमने मेरी सहायता की है, जाओ तुम जो मुझसे मांगोगे वह मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। कहानी आज पूरे देश में सुनाई जाएगी रक्षाबंधन पर्व की, हर संत सुनाएगा। ये पाठन होता है, ये पठन होता है, ये हमारी संस्कृति सभ्यता का पठन होता है। जैसे ही गए 500-700 मुनिराज घूमते फिरते हुए फिर से कहां चले गए, उज्जैनी नगरी में। राजा पद्म को पता चला कि संत आए हैं, वह भी गया उनके दर्शन को। इन्होंने देखा कि अरे ये तो वही है जिनसे हमने विवाद किया था, और इनकी वजह से हमें राजधानी से बाहर निकाल दिया गया था। वचन याद आए बलि को। बलि ने कहा कि महाराज हमने एक बार आपकी सहायता की थी। राजा ने कहा कि हाँ की थी, आपने हमें वचन दिया था। हाँ दिया था, आज हमें हमारे वचन चाहिए। जो धरोहर जो शब्द तुमने दिया था वह हमें चाहिए। राजा पद्म ने कहा मैं किसी का एहसान नहीं भूलता हूं, मैं तुम्हें वचन प्रदान वरदान देता हूं, मांगो क्या मांगते हो। राजा बलि ने कहा कि महाराज ये जो राजपाट है ना तुम्हारा, इस 7 दिन के लिए हमको दे दिया जाए। राजा ने कहा तुमको? बोले मैंने तुम्हारे राज्य को बचाया है, 7 दिन के लिए राजपाट हमें दे दिया जाए। राजा पद्म ने वचनों की आन रखने के लिए कहा कि 7 दिन तुम राजा हो और हम नागरिक हैं। अब राजा बनने के बाद प्रतिशोध की ज्वाला जो जलती है, उसने 700 मुनियों को राजधानी में बंदी बना दिया। एक बाड़ा बनाया बहुत बड़ा, उसमें जंगल में मुनिराज सामायिक कर रहे थे। चारों तरफ से उन्होंने खाई खुदवा दी, उसमें अग्नि प्रज्वलित करा दी, चारों तरफ से धूं धूं करके आग जल रही है। जानवरों को जीते जी होम कर दिया उसमें, मेघ अश्वमेघ यज्ञ कर दिया, नर मेघ यज्ञ कर दिया, जिंदा जीव उसमें डाल करके जलाए जा रहे हैं। और उस घेरे के अंदर 700 मुनियों को आग लगाने की बात, इन्होंने 7 दिन तक घोर उपसर्ग हुआ। 7 दिन तक ध्यान रखिए, धुएं से रुंध गया उनका गला, आंखें लाल हो गईं, बेहोश होकर के गिरने लगे। 7 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया, त्राही माम होने लगा। सब जगह स्वर्ग से देवताओं के आसन कांप गए। एक दो मुनिराज नहीं, 700 मुनिराज।
मालूम है श्रावक का धर्म है कि मुनियों पर कष्ट आए तो उसे अपने तन मन धन को लुटाकर अपने गुरुओं की रक्षा करना चाहिए। जब श्रावक अपना धर्म भूल जाता है ना, जब श्रावक अपने कर्तव्यों को भूल जाता है तो फिर जब मुनियों को फिर अपने साधुओं की रक्षा करने के लिए आना पड़ता है। आज विष्णु कुमार मुनि, ध्यान रखना, रिद्धियां थी उनको, इतनी रिद्धियां थी कि विक्रिया रिद्धि से अपने शरीर का विस्तार कर लेते थे। मान्यवर, जैसे ही उन्हें पता चला कि 700 मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, विष्णु कुमार मुनि ने कहा मैं रक्षा को जाऊंगा। धरणीधर पर्वत से उतरे, वामन का रूप बना लिया। एक बात ध्यान रखना, दुश्मन को दुश्मन के तरीके से मारा जाता है, सज्जन के तरीके से दुश्मन को नहीं जीता जा सकता है। दुष्ट के लिए दुष्टता होना चाहिए, उदंड के लिए उदंडता होना चाहिए। राजा विष्णु कुमार मुनि ने कहा यदि मैं इस भेष में जाऊंगा तो वह मेरी बात नहीं सुनेगा। उन्हें वाम विप्र का रूप बनाया, ब्राह्मण का रूप बनाया अपनी रिद्धियों से, और जाकर के राजा मधु से कहा भिक्षाम देही। उसने कहा मेरे यहां यज्ञ चल रहा है, देखो ये नंगने धड़ंगे साधुओं को मैं कैसा दंड प्रदान कर रहा हूं, क्या है इनके पास। भाई बामन, मालूम है बामन, छोटा सा बटुक ब्रह्मचारी, ध्यान रखना, बिल्कुल ढाई हाथ का शरीर बनाकर चले गए। राजा बलि ने कहा हे विप्र महाराज पधारो, धन्य हो आप मेरे इस यज्ञ में आए हो। विप्र ने कहा कि राजन हमने सुना तुम बहुत बड़े दानी हो, हम भी भिक्षा दीजिए। राजा ने कहा मांगो, क्या दोगे। बोले क्या दूंगा, मेरे भिक्षा पात्र को भर दो। राजा बलि ने कहा क्या बटुक ब्राह्मण, तुमको मांगना भी नहीं आता है, क्या मांग रहे हो हमसे, इतना सा ये तुम्हारा कमंडल उसको भरने की बात कर रहे। बोले नहीं नहीं मुझे ज्यादा की चिंता नहीं है, मुझे इतने में मेरा गुजारा हो जाएगा। बोले हे बटुक ब्राह्मण, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। उस बटुक ब्राह्मण ने कहा, विप्र ने कहा कि महाराजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत निर्धन हूं, मेरे पास धन दौलत संपदा नहीं है, मैं द्वार द्वार घूम करके भिक्षा मांग करके जीवन गुजारा करता हूं, मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दो, जमीन दे दो। अरे बटुक ब्राह्मण, इतनी छोटा सा शरीर, तुमको जमीन की जरूरत है, ये पूरा राज्य 7 दिन के लिए मेरा है, तुम जमीन की बात कर रहे हो, मांगो क्या मांगते हो, सागर से चिल्लू भर पानी मांगते हो। उसने कहा मुझे उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा की आवश्यकता मुझे न दो। लेकिन बटुक ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन वचन दो, शब्द दो, क्या तुम मेरा भिक्षा पात्र भर पाओगे। उसने कहा भर दूंगा। अरे तुम ढाई हाथ के आदमी को कितनी बड़ी जमीन लगेगी, दे दूंगा मैं तुमको। तो बोले पहले वचन दो। बोले वचन उठाता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश की सौगंध उठाता हूं, जो कहोगे वह मैं तुम्हें देने को तैयार होता हूं। राजन मुझे 3 पग भूमि चाहिए। कितनी चाहिए? उसने कहा कि पागल हो गए हो ब्राह्मण तुम, 3 पग जमीन, और तुम्हारे पग में कोई दम है, मेरी 1 फरलांग में तुम्हारे 3 क्या 7 पग आ जाएंगे, और कुछ मांग लो। बोले नहीं बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बोले दी तुमको 3 पग भूमि, जाओ पूरी वसुंधरा में जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां अपने पग रखो, वह जमीन मैंने तुमको दान में दे दी, भूदान किया हमने तुम्हारे लिए। तो बोले फिर ले लूं अपनी जमीन? बोले ले लो। बोले नाप लूं? बोले नाप लो। तो बोले तैयार हो जाओ राजन, अपने वचन से मुकरना मत। और जैसे विष्णु कुमार मुनि ने बामन का रूप रख के जब विशाल रूप धारण किया, आकाश तक जिनका शीश पहुंच जाता है, उन्होंने पहला पग उठाया मानुषोत्तर पर्वत पर रख दिया, दूसरा पग उठाया धरणीधर पर्वत पर पहुंचा दिया। अब बोल राजा बलि ये तीसरा पग कहां रखूं, 2 पग में ब्रह्मांड नाप दिया पूरा। राजा ने कहा कि तुम कौन हो। बोले ये मत बोल, तीसरा वचन दे, तूने 3 पग भूमि की बात कही थी। बोले ब्राह्मण तुम दिखते तो बहुत छोटे थे। बोले छोटा मत समझो, तुम तो अपने वचन पूरे करो।
घबरा गया, थर थर कांप गया, पसीने में लथपथ हो गया, क्या करूं महाराज क्या करूं, चरणों में लेट गया, अब मेरे पास कोई जमीन नहीं है। बोले वचन तो पूरा करना पड़ेगा। बोलो राजन तीसरा पग कहां रखूं? चरणों में लेट जाता है, उसकी छाती पर तीसरा पग रखते हैं विष्णु कुमार मुनि। देवताओं ने रोक लिया कि ठहरो, ये आपके पग रखने से रसातल में चला जाएगा, पाताल में चला जाएगा। हे महामुनि, अपने अहिंसा धर्म को याद करो, अपने करुणा धर्म को याद करो, जिन शासन को याद करो। हो गई जिन शासन की प्रभावना, रुकिए। देवताओं ने रोक दिया कि ठहर जाओ, अहिंसा का क्या होगा, ये पाताल में रसातल में जाकर के नष्ट हो जाएगा। यह जैसे उस पर छाती से पैर रखने ही वाले थे, रोक दिए गए। राजा बलि ने कहा कि कौन हैं आप, अपने असली रूप में आओ। तो परम दिगंबर मुद्रा पिच्छी कमंडल धारण किए विष्णु कुमार मुनि वहां प्रकट हो जाया करते हैं कि राजन, तूने 700 मुनियों पर इतना उपसर्ग किया है, देख मैं रूप बदल के तेरा काल बनकर तेरे सामने खड़ा हूं। ध्यान रखिए, संतों के पास दोनों शक्तियां होती हैं, यह काल को जीत भी लेते हैं और कभी काल महाकाल बन करके खड़े भी हो जाया करते हैं। आज का दिन था, 700 मुनियों को बंधन से मुक्त किया, मूर्छित पड़े हैं सारे मुनिराज, चेतना सुप्त हो गई उनकी, ना उठते बनता ना बैठते, रुंध गया पूरा गला उनका। आज के दिन मालूम है क्या हुआ, सारे श्रावकों ने जय जयकार की विष्णु कुमार मुनि की, आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगती है, आकाश में जय जयकार की ध्वनि होने लगती है, विष्णु कुमार मुनि अमर हो, विष्णु कुमार मुनि जयवंत हो। और उन्होंने उस दिन से विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि ध्यान रखना, आज से ये संकल्प पूरी समाज ले ले कि हमारे मुनियों पर कष्ट आएगा तो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हम संतों की रक्षा करेंगे। ध्यान, यूं तो 365 दिन आप हमसे कहते हो महाराज हमारी रक्षा करना, लेकिन साल में एक दिन आता है जब संत तुमसे कहता है कि हे श्रावको आप हमारी रक्षा करना, संतों की रक्षा करना। अभी ताई ने वहां लिखा ना पिच्छी, एक पढ़ रहा था मैं कोटेशन कि पिच्छी में राखी बांध रही उनकी पिच्छी सतत हमारी रक्षा करती रहेगी। मैं कह रहा हूं हमारी पिच्छी सतत आपकी रक्षा करेगी, लेकिन जब जब वक्त आएगा तो आपका वैभव और धन भी संतों की रक्षा में लग जाना चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए। ध्यान रखना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, भक्तों से काम पड़ता है। लगी भूख तो भैया उनके घर को चल पड़े, ध्यान, आहार लेना है तो तुम्हारे घर तो संतों को आना पड़ेगा ना। तो 700 मुनियों की आज वैयावृत्ति हुआ करती है, 700 मुनिराजों के आज आहार हुआ करते हैं। 7 दिन के बाद आहार क्या दिया, क्या दिया आहार में, खीर, काय की खीर, सेवई की खीर दी है ना, नहीं हमको नहीं दी, नहीं हमको दे भी क्यों, हम कौन से उपसर्ग में जी रहे हैं, ध्यान रखिए हमको कौन सा कष्ट पड़ा हुआ है। पहले के जमाने में जब मुनि महाराज दिखाई नहीं देते थे ना, तो लोग क्या करते थे, अपने घरों की दीवार पर मुनियों के चित्र लगा करके और उन्हें सेवई की खीर के आहार दे करके भाव वंदना करके जीवन को धन्य किया करते थे। आज तो तुम सब सौभाग्यशाली हो, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा कि पहले के लोग चित्रों में मुनि को देखा करते थे और आप आज साक्षात मुनियों के दर्शन अपनी आंखों से कर रहे, कितना सौभाग्य तुम्हारा। और आज रक्षाबंधन पर्व, उस दिन से सारे श्रावकों ने एक दूसरे के हाथ में राखी बांधी। मुझे ये समझ नहीं आता ये भाई बहन का त्योहार कब से हो गया, ये तो गुरु और शिष्य का त्योहार हुआ करता है, ये तो भक्त और भगवान का त्योहार हुआ करता है, ये तो धर्म और धर्मात्मा का त्योहार हुआ करता है, भाई बहन का कब से हो गया ये त्योहार। विचार करिए, कोई भी किसी को राखी बांध सकता है, रक्षा सूत्र एक संकल्प ले सकता है। आज एक बहन अपने भाई को राखी बांधे, आज एक पत्नी अपने पति को राखी बांध सकती है, एक पति अपनी पत्नी को राखी बांध सकता है। मालूम है किन भावों से, इस भाव से बांधना, एक पति को राखी बांधो तो ये संकल्प लेना आज कि जब मेरे सील की रक्षा की जरूरत हो
तो तुम मेरी रक्षा करना, और तुम्हारा चरित्र बिगड़े तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये संकल्प लिया जाता है आज के दिन। बहन जिसके पिता नहीं है, आज संकल्प लिया जाता है कि मैं पिता की भूमिका निभाऊंगा तुम्हारे लिए। तुम अनाथ मत समझो अपने को, जो दर्जा पिता का है वह दर्जा भाई का भी हुआ कर। ये संकल्प लिए जाते हैं आज के जीवन में। विचार करिए, आज संकल्प लेना है घर परिवार को, हम अपने धर्म की रक्षा करें, तुम मेरे धर्म की रक्षा करो। यह संकल्प का पर्व है, यह रक्षा सूत्र, इसलिए इसको कहा जाता है सलोना पर्व है। ध्यान रखिए, यह धार्मिक पर्व है, इतिहास की दृष्टि से पर्व है। मान्यवर, आज हमें विधान से पहले 700 मुनिराजों की अर्चना करना है, अकंपनाचार्य की वंदना करना है, उनकी पूजन करना है, और सौभाग्य को अपने जीवन में अर्जित करना है। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, मनुष्य कभी भी बाहर की, मालूम है मैंने कहा ना कि एक कंकर जूते में चला जाए तो प्लेन रोड पे चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है कि आदमी बाहर की शक्तियों से नहीं घबराता है, आदमी को तकलीफ अपने भीतर की शक्तियां दिया करती हैं। ध्यान रखना, बाहर के कंकर हमारे चलने में बाधा नहीं पहुंचाते। जब वो जूते के नीचे होते हैं ना तो चलते रहो, कोई कष्ट नहीं होता है। बाहर बालों से दुख नहीं मिलता, दुख तो उनसे मिलता है जो जूते के अंदर आकर बैठ जाया करते हैं। ध्यान रखना, उनसे हमारे रास्ते बड़े दुर्बल हो जाते हैं, दुर्गम रास्ते हो जाया करते हैं। संभलना है, और ध्यान रखना, उनसे ही नहीं, आदमी हारता है तो अपने भीतर की कमजोरियों से हारता है। जब आदमी कमजोर हो जाता है, जब आदमी अपने आप की हार को खुद स्वीकार कर लिया करता है, तो फिर दुनिया उसे हराने को तैयार हो जाया करती। मजबूत बनना है अपने अंदर से, अपने हौसलों से मजबूत बनना है। मालूम है, जब दो पहलवान लड़ते हैं ना, एक सी शक्ति, एक सी ताकत, एक सा शौर्य, एक से दाव पेंच उन पहलवानों के, मालूम है उसमें एक हारता है और एक जीतता है। मालूम है कौन जीतता है और कौन हारता है? शारीरिक शक्ति तो एक सी है, लेकिन जो लड़ने से पहले ही अपनी हार मान लेता है ना, ध्यान रखना, जो मन से हारता है वह हार जाया करता है, और जो मन से जीतता है वह जीत शक्ति एक सी है, दोनों पहलवान है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।